जय माता दी। मेरे YouTube चैनल सपनों के सच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की दया दृष्टि सभी पर बनी रहे और आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और दोस्तों, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, सलामत रहे। और आज बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति सपने में छोटे छोटे कछुए देखता है या कछुए के बच्चे देखता है, तो ये सपना क्या संकेत देता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जो भी जानकारी मैं लेके आती हूँ आपके पास आते रहे। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सपने में छोटे छोटे कछुए देखता है या कछुए के बच्चे देखता है, तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सपना आपके जीवन में खुशियों की ओर तो संकेत करता ही है, और इसके अलावा मतलब ये सपना आपको संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको कहीं से बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, या कहीं से बहुत ही शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है, यदि आप सपने में छोटे छोटे कछुए या कछुए के बच्चे देखते हो। सपने में कछुए के बच्चे देखना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर अर्थ बताया गया है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वैवाहिक है या संतान के इच्छुक है, भाई संतान चाहता है कोई, और वह सपने में कछुए के बच्चे देखता है, तो दोस्तों ये सपना संकेत देता है कि बहुत जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी, और खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही शुभ है। तो यदि आप इस तरह का सपना देखते हो दोस्तों, तो इस सपने को व्यर्थ ना जाने दें, अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें, और हो सके तो अपने घर में कछुआ जरूर रखें। अगर आप अपने घर में कछुए को स्थापित करते हो, आपको इस सपने का बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। और जो संतान के इच्छुक हैं, उन्हें अपने घर में मतलब एक कछुआ आता है जिसे मादा कछुआ भी बोलते हैं, उसकी पीठ पर बच्चे होते हैं, और अगर आप इस तरह का कछुआ घर में रखते हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको बहुत जल्दी अपने घर में संतान की प्राप्ति होगी, और इस सपने का भी आपको एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और आज तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे।